Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Naam Maharaj Ki Jai Hare Krishna
Yeah.
महाराज का आनंद लेते हैं। जय जय मैया देव श्रीराम महाराज की। Yeah.
Hare Govind,
निताई निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग जय निताई गौरांग जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन Hare Krishna 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 Hare Hare Bola Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bola Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna थाली में लेकिन कीर्तन का सभा किसमें है थाली में अगर मतलब इसलिए भगवान का कीर्तन में ताली बजाते हुए कीर्तन करनी चाहिए आज ठाकुर जी झूला में बैठने वाले हैं अगर भगवान का कीर्तन में ताली बजाओ तो भाग्य रेखा तुम्हारी बदल जाएगी अगर उल्टा पुल्टा सुलटा हो ना क्योंकि यहाँ स्वागत किसके लिए स्वागत कर रहे हो भगवान के कीर्तन में स्वागत कर रहे हो अगर कभी उल्टा पुल्टा रेखा हो ना ताली बजाओगे तुम्हारी सारे उल्टा पुल्टा रेखा सही हो जाएगी इसलिए सब सब ताली बजाते हुए करना बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. 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 Radhe Radhe Govinda, Govinda, Radhe, Radhe, Govinda, Govinda, Radhe, Radhe, Govinda, Govinda, Radhe.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Thank you.
बेनुसुने कृष्ण बेनुसुने ये गैया है वो घास मुख में लिया ना खा पा रही ना निगल पा रही है और बच्चे जो बछड़े हैं माँ का स्तन पी लिया ना निगल पा रहे उगल पा रहे ऐसे बात फंसे ना इधर के उधर के हरे कृष्णा बोले से वृंदावन बिहारी लाल की हरे कृष्णा हरे हरि बोल श्री राधे राधे झूलन पधार फिर आए बदरा राधे झूलन पधार फिर आए आगे नंबर राधे झूलन पधार फिर आए बदरा राधे झूलन Oh,
Yeah.
अनंत कोटि सत्संग दंडवत दंडिक पनकर्ता तदनंत अस्मदीय परम गुरुदेव श्रील भक्ति दत्ता केशव गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री भक्ति श्री सिद्धांति महाराज एवं प्रभुपाद के समस्त परिकर के श्री चरण में एवं समस्त गुरु श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करता हूँ। तदनंत मंचस्थ आसीन पूज्यपाद श्री तीर्थ महाराज एवं श्रीधर महाराज चरण शतकोटि नमन उपस्थित वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। ये बहु प्रतीक्षित ये झूलन महोत्सव यद्यपि ब्रज में एक महीना तक झूला महोत्सव चलता है, इन गौड़ीय संप्रदाय में हमारे गुरुवर को 5 दिन की व्यवस्था दी है। इस 5 दिन हम लोग झूलन महोत्सव उद्यापन करेंगे, होली कथा ये सब। मैं सबसे पहले श्री तीर्थ महाराज से अनुरोध करता हूँ झूलन महोत्सव के ऊपर प्रकाश डालें। श्री तीर्थ महाराज जी गुरवे गुरुचंद्राय राधिकायै तदामहे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम अस्मदीय कृपात् पद्म में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति निवेदन करता हूँ। उपस्थित पूजनीय वैष्णव वृंद, समस्त सन्यासी वर्ग, माताएं बहनों भाइयों सभी को मेरा प्रणाम निवेदन है। आज बड़ी खुशी की बात है, प्रतिवर्ष की बात है, ये वैष्णव मिलन मेला है। श्री गुरु जी ने इस प्रथा को शुरू कर दी झूलन उपलक्ष्य में, जो राधा गोविंद का झूलन मेला महोत्सव है, उसके साथ श्रील रूप गोस्वामी जी की भी रहते। तो श्री रूप गोस्वामी जी की कथा के द्वारा और भी पावन और पवित्र और सरस बना दिया, क्योंकि श्री गुरु जी यह कहते हैं कि राधा गोविंद के झूलन मेला वृंदावन में जब वे दोनों आए, कृष्ण का उम्र 3 वर्ष 4 महीने की, उस समय से बछड़ों को चराने का बहाना लिया, इसी बहाने वृंदावन में आ करके खेल कूद करते हैं, जो कि सखाओं के साथ बच्चों के साथ, और यमुना पुलिन के इन कुंजों में जहाँ गोपियाँ वृषभानु नंदिनी राधा जी समस्त गोपियाँ मिल करके पुष्प चयन करती है, फूलों को गूंद करके माला गूंद करके बैठी रहती है। कृष्ण आते हैं तो उन्हें हाथ पकड़ करके खींच लेते हैं, कुंज के अंदर बैठा कर राधा जी जो कि फूलों से सजाती हैं, और जो अलका इत्यादि मिट जाती है धूल मिट्टी से पसीने से, उसको साफ करके फिर से नए रूप से डिजाइन करके बताती है। तो इस प्रकार कृष्ण को सजाती हैं और फूलों से सुंदर रूप से उनको श्रृंगार धारण कराती है। ऐसे ऐसे करके वृंदा देवी वन के फल को ले करके आती हैं और राधा जी के हाथ में देती है, वो स्वयं अपने हाथों से उसको परोसती है, कृष्ण को खिलाती पिलाती है। ये रोज दिन की नित्य प्रति वृंदावन पुलिन में जो कि कुंज में राधा गोविंद की लीला है, सेवा है। इस प्रकार नित्य प्रति यहाँ झूला खेला, हिंदू वन विहार, मधुपान, जल जल विहार, कुंज क्रीड़ा, विविध प्रकार के खेल कूद के द्वारा यह वृंदावन आमोदित प्रमोदित है। ऐसे राधा गोविंद की नित्य लीलाओं के स्थल यह वृंदावन है, जो कि इसमें यह झूल
झूलन महोत्सव का और एक विशेष है। विश्वान नंदिनी जब जावट में गई और जावट में रही, विश्वान महाराज ने उन्हें अभिमन्यु आयन घोष के साथ विवाह करा दिया। इस प्रकार जो अभिमान और प्रतीति है इसके साथ जावट में रहेगी। जब कि नित्य प्रति नंदगांव में आती है, यशोदा भवन में जा करके राधा जी माता यशोदा के द्वारा लाड़ प्यार पा करके बड़ी आनंदित होती है। स्वयं रसोई घर में जा करके विचित्र प्रकार के भोजन सामग्री बनाती है। तो ये सभी नित्य लीलाओं में ये वर्णन है, जो कि राधा गोविंद की इस प्रकार नित्य लीला है और नंद भवन की बातें। दूसरी बात, जावट में रहती है तो साल भर में बरसात के शुरू होते ही हरियाली, चारों ओर हरियाली की घन घटा है और उस समय प्रत्येक घरों की जो बेटियां हैं जिनका विवाह हुआ, ऐसी समस्त बहुएं बेटियां भी अपने पियर को जाया करती है। तो ये एक रीति रिवाज है जो भारतीय परंपरा में आज एक सभ्यता के रूप में, एक रीति रिवाज के रूप में देखा जाता है। तो विश्वानंदिनी राधा जी प्रतीक्षा करती है कब सीता मैया आएंगे और राधा जी को लेकर जाएंगे। इसी प्रतीक्षा में देखते 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 जब यह श्रावण महीना होता है तो उस समय राधा जी सीता मैया की प्रतीक्षा करती है तो वे आते हैं। आने पर राधा जी रोती हैं, आंसू बहाती हैं और पियर को जाने के लिए तरसती हैं। तो इस प्रकार उन्हें पियर में यानी अपने मायके के वहाँ राधा जी जाती हैं और वहाँ जाकर के झूलन लीलाएं होती हैं। तो ये इस प्रकार का जो वर्णन है, बोली ऐसा क्यों है, ये क्या बात है, इसका क्या कारण है, जो आज हमारे भारतीय परंपरा में ये चीज देखे जाते हैं कि हम अन्न दूसरी को कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। अभी अभी हम रशिया में रहे तो वहाँ पर हम एक चीज देखते रहे, जितनी भी माताएं बहने मिली सबसे पूछते रहे, भाई सभी लोग अलग अलग सेपरेट हैं, सब अलग अलग रहती है। तो बोले क्या बात है, तो बोले कि भाई यहाँ 98% लोग सब सेपरेट हैं, सब डिवोर्स किए हुए। बोले ऐसा क्यों है, क्या बात है, बोले टेंशन के कारण। बोले हमारी भारतीय परंपरा में गुरु जी कहते, बोले ऐसा क्यों है, बोले यहाँ पर कोई माता बहने जो घर में है उनको कोई झगड़ा हो जाए, कोई विवाद हो जाए, मन मुटाव हो जाए, कुछ भी हो जाए, बोले चलो अब चलते हैं पियर को, चले जा करके 5-10 दिन रह करके शांति बना ले, शांति हो जाती है, मन ठीक हो जाता है, फिर रेन्यू हो जाता है, फिर आ जाती है, आ करके फिर नए सिरे से घर संसार का काम धाम सब कुछ करती है, सारा सब सही रहता है। इसलिए हमारी जो परंपरा है, इस परंपरा में जो रीति रिवाजें रही है, ये रीति रिवाज का कारण जो विवाद हो रहा है, टेंशन हो रहा है, सिरवानी हो रहा है, बोले कि चलो हम अलग हो करके ही रहेंगे। बोले अरे अलग नहीं हो रहा है, चलो प्रकोप करके आ जाओ, आ करके फिर से शांति से घर संसार कर लिया। जीवन भर माताएं बहनों को देखा जाता है कि वे जीवन भर बन करके रहती है, कभी अलग नहीं होती है। और देशों में बड़ा विचित्र स्थिति है, बोले ऐसा क्यों, बोले ये कारण है हमारी भारतीय परंपरा में, भाई ठीक है भाई कुछ हो गया चलो जाओ थोड़ा घूम के आ जाओ, पियर में घूम के आ गए। तो इसलिए गुरु जी कहते हैं, बोले सब बेटियां बहू और बहू है सब पियर पियर जाती है, 10-5 दिन रह करके घूम फिर करके आनंद ले करके खुशहाली बना करके आ जाती है, फिर मन उल्लसित होता है, खुशहाली भी बनता है, आनंद में
फिर से घर संसार बना लेते हैं, कोई झगड़ा विवाद नहीं देता है। तो ये कारण है जो कि राधा गोविंद की लीलाओं से ये सारी बातें देखी जाती है। अभी हमारे माधव मराठी बताएंगे सब रसिक बातों को। तो कहना है कि इस प्रकार के झूलन उत्सव को श्री रूप गोस्वामी पाद ने वर्णन किया। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने गोविंद लीलामृत ग्रंथ श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने लीला ग्रंथों में ही सबका वर्णन किया है, इसलिए उनका उनकी भी तिथि आ रही है। जहाँ श्री रूप गोस्वामी पाद ने राधा गोविंद की मधुर लीलाओं का वर्णन किया, मधुर छवि का अंकन किया है, उसके साथ भक्ति रस के साम्राज्य को विस्तार किया। जो गौड़ीय वैष्णवों में एक ही बातें हैं, वे मन प्राण हृदय सर्वस्व उनके चरणों में दे करेंगे। राधा जी की जो किंकरी है दासियां हैं, उनके आश्रय लेकर उनके अनुगत में रहकर जो कि भजन और भक्ति करें, इन लीलाओं का चिंतन करें, स्मरण करें। अभी सिर के ऊपर एक श्लोक जो गुरु जी ने लिखा है, यहाँ पर वर्णन है, क्या लिखा है? श्री रूप मंजरी करार चित पाद पद्म गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार पितमस्त काया हा मोदत कनक गौरी संभाना ने सनकई स्तव केम करी से। है ना, गुरु जी ने अपने हृदय की भावना को उद्गार किया, यहाँ पर ये सारा वर्णन किया लिखा है। श्री रूप सनातन गौड़ी मठ बना करके उन्होंने श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी की स्थापना की, जो कि हम सबके प्राण स्वरूप है, जिनके अनुगत के बिना हमारा जीवन चलता ही नहीं और हम भजन राज्य में आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए रूप रघुनाथ के वाणी के हम लोग प्रचारक हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं, जहाँ श्री रूप मंजरी विश्वानंदनी राधा जी कृष्ण की गोदी में सिर रख करके लेट गई और थकी हुई है, ऐसे समय में श्री रूप मंजरी आकर के राधा जी का पाद संवाहन करने लगी। और ऐसे समय में रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं, क्या मैं आपके अनुगत में कुछ सेवा करूं? उस समय श्री रूप मंजरी जी ने उनको आदेश दिया, लो तुम पाद संवाहन करो। जबकि राधा जी का पाद संवाहन करती हैं रति मंजरी, जो भानु मंजरी रति मंजरी के रूप में रघुनाथ दास गोस्वामी जी श्री गुरु जी के अनुगत में इस प्रकार सेवा की भावना को प्रार्थना की है। तो इन सभी लीलाओं का स्मरण और गुरु जी का स्मरण होता है, जिन्होंने अपने हृदय के उद्गार को यहाँ व्यक्त किया है। ऐसे हम लोग श्री रूप सनातन गौड़ी मठ में गुरु जी के हृदय मंदिर जो कि इस स्थान में हम लोग आए हैं। पहले जब गुरु जी को इतना कहा गया कि बाहर में चलते हैं, थोड़ा बाहर में बड़े रास्ते में कहीं हम जगह लेते हैं, गुरु जी बोले क्या सेवा कुंज मिलेगा, निकुंज वन मिलेगा, वहां जमुना पुलिन मिलेगा, श्री रूप गोस्वामी जी का स्थान मिलेगा, यही स्थान है जहां पर उन्होंने भजन किया, हमारे गुरु वर्ग का स्थान है। तो आज हम लोग इस स्थान में आए हैं और हमारी जो राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन झूलन उत्सव के विषय में हमारे रसिक जो कि श्री माधव महाराज जी बड़े रसिक है और रसपूर्ण बातों को सुनाएंगे, हम उनसे प्रार्थना करते हैं। श्री माधव महाराज हरे कृष्णा। आप लोगों ने श्री महाराज से अभी कथा श्रवण किया, हमारे
पास में श्रीधर महाराज जी बैठे हुए हैं, उनका नाम था पहले रसानंद। बोले मैं रस भी दूंगा आनंद, मैं तो रसिक तो मैं हूँ, आप कैसे बोलेंगे? बोले पहले मैं बोलूंगा, और नहीं दू तो बस वो अपराध हो जाएगा। महाराज जी ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। राधाकराभजितपल्लवबल्लरीके राधापदाङ्कविलस मधुरस्थलीके राधाङ्गजसमुखं खङ्गाङ्गबलीके राधाविहारविपिने रमताङ्गमनोमे। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर कर बोलो बोल हरे सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री 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 माधुभक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित तीर्थ महाराज माधव महाराज संत महाराज अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है, जो कि राधा कृष्ण के झूलन यात्रा का महोत्सव उपलक्ष करते हुए हम सबके सब यहाँ पर उपस्थित हुए। कहते राधा कृष्ण का ये जो झूलन यात्रा है, ये कोई साधारण लीला नहीं है। हम लोग अभी अभी श्रवण कर रहे थे, जब राधा कुंड को प्रकट की गई उसी समय में श्री पौर्णमासी ने वृंदादेव का आदेश दिया। कहते ये पौर्णमासी कौन है? बोले ये समस्त लीलाओं को पुष्टि करने वाले। बोले ये वृंदादेवी कौन है? बोले राधा कृष्ण के जो मधुर लीला है, ये मधुर लीला में सब कुछ यही करने वाले, मधुर लीला यही पुष्टि करने वाले। उसी समय से पौर्णमासी ने वृंदादेवी का आदेश दिया। बोले ये राधा कुंड को इतने सुंदर बनाओ, इतने सुंदर बनाओ जैसे पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ ये लीला स्थली होनी चाहिए। तब उन्होंने आदेश को पा करके इतने सुंदर राधा कुंड को बनाए, अद्भुत रूप में उन्होंने ये राधा कुंड को उन्होंने सजाए, इतने सुंदर उन्होंने कुंज बनाए। मतलब किसी कुंज का रंग एकदम हल्दी वर्ण है, किसी कुंज का रंग एकदम सफेद वर्ण है, किसी कुंज का रंग एकदम नील वर्ण है, और ऐसे अद्भुत कुंज, कोई कुंज तो केवल पत्ते पत्ते में, किसी कुंज केवल फूल फूल में बनाए। जैसे पास में खड़े होना, अभी यहाँ क्या हो रही है, अगर पास में खड़े हो आप देख नहीं सकते, वो केवल गोलोक वृंदावन में ही वो वृंदादेवी के लिए संभव। अद्भुत उन्होंने बनाए, और राधा कुंड श्याम कुंड के चारों तरफ में सुंदर उन्होंने झूला डाले हैं, चारों तरफ में सुंदर, कहीं उन्होंने कदम का वृक्ष में, कहीं कमाल के वृक्ष में, कभी आम्बर वृक्ष में सुंदर उन्होंने झूला उन्होंने डाली। और झूला में जब राधा कृष्ण झूलते हैं, इनकी परछाई राधा कुंड में पड़ता है जब झूलते हैं। हम लोग झूले हो झूले में, कौन कौन झूला में झूले? इसलिए अभी अभी महाराज जी बता रहे थे ना, कैसे श्री है राधा रानी कैसे चावट में बैठी हुई और इंतजार कर रहे हैं कब मेरे श्रीधाम भैया आएगा और मुझे कब अपना ससुर घर से कभी कब पीहर ले जाएगा, ये बरसाना ले जाएगा।
और बरसाना में वहाँ गह्वर वन है। गह्वर वन मतलब क्या है? जहाँ पर भगवान की ऐसे गंभीर लीला होता है, जहाँ पर ब्रह्मा शंकर नारद भी जिस लीला में प्रवेश अधिकार नहीं है। इसी गह्वर वन में सुंदर झूले में कैसे श्याम सुंदर कैसे नंदगांव से आते हैं और राधा रानी कैसे सुंदर झूला में राधा कृष्ण बैठ करके सुंदर झूला में झूला झूलते हैं। कर जो झूला लीला है ये ऐसे अद्भुत लीला है। ये झूला लीला बोले झूला लीला की तात्पर्य क्या है? क्या ये सखियों का रहस्य क्या है? ये सखियां क्यों राधा कृष्ण को झूला में झूलाते हैं? उनका एक ही कारण है, जब झूला में राधा कृष्ण बैठते हैं, सखियां जब उनको झूला में झूलाते हैं, कभी कभी इतने जोर से झूलाते हैं, इतने में राधा रानी डर जाती है और डरते हुए उन्होंने कृष्ण को सारे अंगों को उन्होंने आलिंगन कर लेती। डर तुम्हारे जब उनको आलिंगन करती है, कभी सखियों का मंजरियों का उद्देश्य क्या है? उनका एक ही उद्देश्य है, जय जय राधा कृष्ण ने जुगल मिलन और आरती करे लगी राधी सखी कर। जब उनकी मिलन को दर्शन करते हैं, बस उनको मिलन दर्शन करते ही ये प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं स्पृशति यदि मुकुंदम राधिका मुकुंदम सखीना। जब श्री कृष्णचंद्र राधा रानी को आलिंगन करते हैं, लेकिन आलिंगन करते हैं तो कृष्ण राधा रानी को, लेकिन ये बपुसा स्वेद कंप ये किसको शरीर में प्रकट होता है? कभी ये सबके सब सखी और मंजरियों के अंदर में राधा कृष्ण मिलन हो रही है, लेकिन सारे स्वेद कंप अश्रु फुलत ये सबके सब सखी मंजरियों के अंदर में ये सारे दिव्य भावना अपने आप प्रकट होता है। इसलिए झूलन का यही तात्पर्य है, राधा कृष्ण को मिलन करना। कभी ये एक झूलन लीला की एक रहस्य है। पहले दूसरा रहस्य क्या है? झूलन झूला जो तीन तरह का झूला है, एक तो दोनों बैठी करके इसे झूलते हैं, दूसरा झूला होता है राधा रानी उधर और श्याम सुंदर इधर। अभी राधा रानी ऐसे झूलती हैं और श्याम सुंदर ऐसे झूलते हैं। जब ऐसे झूलते हैं उसी समय में राधा रानी जब उधर से झूल आती है, श्याम सुंदर जब इधर से चलते हैं, उसी समय में राधा रानी की जो चरण है वो चरण दर्शन होता है। ये झूला की एक विशेष महत्व है। कृष्ण चंद्र राधा जी के चरण को उसी समय में दर्शन करते हैं, इसलिए राधा रानी की जो चरण का जो दर्शन है ये बड़ा महत्व है, ये बड़ा महत्व दर्शन है। इसलिए कहते श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं बोले ब्रह्मे स्वरादि सुदुरूह पदार बिंदम श्रीमत पराग परमात्भुत वैभवया। बोले राधा रानी की जो चरण है कितने दुर्लभ है? बोले ब्रह्मे स्वरादि सुदुरूह पदार बिंदम, कहते इनकी चरण कमल इतने दुर्लभ है, ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए ब्रह्मा जी बरसाने में पत्थर रूप में वो पहाड़ रूप में जन्म होकर के वहां पर जन्म लिए। बोले क्यों? बोले राधा रानी की कृष्ण की मधुर लीला की दर्शन हो। कहते शंकर जी हैं, शंकर जी गोपेश्वर बन करके आते हैं और माँ लक्ष्मी तो बेलवन में बैठी हुई है, उनको तो प्रवेश अधिकार हुई नहीं। और उद्धव तो वो उद्धव जी क्या कहते हैं? उद्धव जी कहते हैं वृंदावन की कब ऐसे सौभाग्य बने हमें, ऐसे कब सौभाग्य प्राप्त हो हमें, यहाँ की गुल्म लता औषध वृक्ष में हमारी जन्म हो, ऐसे राधा रानी के चरण की। बोले ब्रह्मे स्वरादि, स्वरादि मतलब जो आदि ईश्वर है, ब्रह्मे स्वरादि कहते इन्हीं के लिए तो दुर्लभ है ही है, लेकिन कहते ब्रह्मे स्वरादि आदि ईश्वर जो कृष्ण है, बोले इन्हीं के लिए भी राधा रानी के चरण कभी दर्शन दुर्लभ हो जाता है। इसलिए यहाँ पर गुरुदेव लिखे ना बोले जत कीन करिसु बहु सौ खड़ुका वाणी नित्यम परस पुरुषस्य शिखंड मौले तस्या कदा रसनिधे वृषभानु जाया तत केली कुंजना भम गतिमान कलिस्या। कहते जिस कुंज में प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं जिस कुंज में श्री किशोरी जी मान करके बैठी हुई और कह रही हैं आज मैं कोई काले चीज देखना नहीं चाहता हूँ, तुम्हारा जो घुड़ जो काला है ना उसे चंदन से उसको क्या करो, उसको सफेद कर दो, जो चोटी काली है फूलों की माला से उसको फूलों से माला से उसको ढक दो, कोई काले चीज देखना नहीं चाहता हूँ। इतने में श्याम सुंदर आकर के राधा रानी के तो दुर्लभ है, उनकी जो किंकरियां हैं उनको पास में हाथ जोड़ करके कहते मैं थोड़ी सी कृपा करके श्री
राधा रानी की थोड़ा दर्शन करा दो। इसलिए कहते ऐसे जो निकुंज मंदिर में राधा रानी मान करके बैठी हुई, क्या मेरा कभी ऐसे सौभाग्य होगा जिस झाड़ू से सखियां किंकरियां वो कुंज को झाड़ू लगाते हैं उसकी क्या एक में सलगा बन पाऊंगा। ये प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं। इसलिए राधा रानी की जो चरण है उसमें जो चिन्ह है वो एक एक चिन्ह की श्री रूप गोस्वामी अद्भुत अद्भुत महिमा बताए। राधा रानी के चरण की कौन सा चिन्ह कहाँ कहाँ पर है, और ये चिन्ह दर्शन से स्मरण से क्या मिलता है रूप गोस्वामी अद्भुत रूप में वर्णन किया। इसलिए उस समय में राधा रानी की जो चरण है ये श्याम सुंदर को ये झुलन यात्रा में उनके विशेष विशेष दर्शन होता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने इसलिए जिस समय उन्होंने चाटुक पुष्पांजलि ग्रंथ को लिखे लिख करके उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी को दिए, बोले भैया देखो ये ग्रंथ कैसे बनाए। तब श्री सनातन गोस्वामी जब वो श्लोक को पढ़े, पहला श्लोक को पढ़े, उसमें लिखा हुआ है बेनी प्याला गिरी पड़ा। राधा रानी की जब सुंदरता को वर्णना करते हैं कहते राधा रानी की चोटी कैसे है, बोले काला नागनी कैसे, बोले रूप तुमने तो बड़ा सुंदर राधा रानी के श्रृंगार को वर्णना किया लेकिन कहा राधा रानी प्रेम रूपिणी, कहा राधा रानी है राधा रानी का रस स्वरूपिणी जिसके लिए कहते हैं वैदग दे सिंधु रसरा कृपा के सिंधु। कहते राधा रानी कौन है, बल्कि जिसे सप्त समुद्र है उसी तरह राधा रानी के अंदर में ये सारे रस की समुद्र श्री राधा जी के अंदर में, कहा राधा रानी रस स्वरूपिणी। और कोई उदाहरण नहीं मिला, राधा रानी का चोटी को तुमने एक काला नागिनी को साथ में बराबर कर दिया। इसलिए इतने में उन्होंने बोले ठीक है भैया कोशिश करूंगा इसको सुधारने के लिए। जिस समय सनातन गोस्वामी परिक्रमा कर रहे थे गोवर्धन में, परिक्रमा करते करते जब राधा कुंड में आए रिमझिम रिमझिम बारिश ही हो रही थी, उन्होंने देखा एक सुंदर कदम पेड़ में बड़ा सुंदर झूला पड़ा हुआ है और बीच में एक सुंदर ईश्वरी बैठी हुई और अगल बगल में कुछ सखियां उनको झूला झूला रही थी, हैं उसमें राधा रानी उसमें झूला झूला रही थी। जब झूला झूला रही थी कितने में राधा रानी के कैसे कैसे हैं, बोले ये सर से लेकर चरण तक उनकी कैसे है। और सखियां बड़ी सुंदर उनको चोटी सुंदर चोटी बनाए, अब लोग तो चोटी बनाते होंगे, चोटी कैसे होता है ऊपर मोटा और नीचे पतली सांप जैसे, और राधा रानी का तो केस एकदम काली कैसे है चरण तक उनकी केस, और चोटियां जैसे झूला में बैठी हुई पीछे से ये चोटियां ऐसे ऐसे झूला में ऐसे ऐसे गिर रहा था। सनातन गोस्वामी दूर से देख करके उनको ऐसे लगा मानो इसको पीठ पीठ के ऊपर में तीन चार काला नागरी जैसे चढ़े हुए हैं। इतने में सनातन गोस्वामी भागते हुए आए, बोले लाली लाली तुमको दिख नहीं रहा है ये लाली को पीछे तीन चार सांप चढ़े हुए पीछे से। जब इतने से आए श्री राधा रानी थोड़ी सी मीठी मीठी उन्होंने मुस्कुरा करके उनको तरफ में देखे और देख करके इतने में सारे लीला अंतर ध्यान हो गई, सारी लीला अंतर ध्यान हो गई। सनातन गोस्वामी बोली ये क्या मैंने देखा। हठात उनको याद आया श्री रूप गोस्वामी ने श्री राधा रानी की जो बेणी की उन्होंने ब्याला गिणी फणा काला नागिनी को साथ में बराबर उन्होंने की है। बोलो इसी चीज को दिखाने के लिए रूप गोस्वामी जो लिखे हैं वो सही लिखे हैं, ये चीज को प्रमाणित करने के लिए राधा रानी आज स्वयं मेरे ऊपर में कृपा की और मुझे दर्शन दे। अभी प्रश्न है भैया उनको छोटी को उन्होंने ब्याला गिणी प्रणाम क्यों बताए, काला नागिनी के बराबर क्यों बताए, कारण क्या। बोले कारण है जो स्त्रियों का अब जितना एडवर्टाइज आता ना टीवी में ये शैम्पू ये सब जितने सबके सब माताएं जितने सारे पैसा ये केस में बाल में खर्चा कर देती सब केस में, एक सुंदर से सुंदरी कोई लड़की हो उसको पूरा मुंडन कर दो बाल कटवा दो देखना उसको तरफ में कोई देखेगा नहीं, उसको तरफ में कोई देखेगा नहीं। इसलिए राधा रानी का जो बाल जो केस चोटी है जैसे काला नागिनी क्या करती काटती है उसी तरह से श्याम सुंदर को ये मतवाला जो हाथी कृष्ण है अगर कोई कंट्रोल कर सकता है ना कभी ये कौन है राधा रानी का जो केस की जो सौंदर्य था। इसलिए रूप गोस्वामी राधा रानी की जो केस की जो वर्णना करते हैं अद्भुत रूप में राधा रानी की केस की उन्होंने वर्णना करते हैं। इसलिए जो झूला जो लीला है इसमें विशेष बात राधा जी की चरण की दर्शन मिलती है। इसलिए कहते हैं ना किरत सुता के पग पग में प्रयाग जान केशव के खेली कुंज कोटि कोटि काशी है गोपी जी की द्वार पे बसत है हरिद्वार बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है।
बोले स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे किया, जानकर नहीं है हम श्री वृंदावन वासी। इसलिए राधा रानी की जो चरण जहाँ पर पड़ती है वो चरण की बड़ी महत्व है। इसलिए उसने बताए अनाराध्य राधा पदा भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तत् अटबी असंभास तत् भाव गंभीर चिता कुतः श्याम सिंधु रस श्याम गाओ। अगर कृष्ण रस रूपी समुद्र में कोई गोता लगाना चाहते हैं, यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं जब तक श्री राधा रानी की चरण को कोई आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं, राधा रानी की चरण की अंकित जो वृंदावन धाम है जब तक उसको कोई आश्रय ग्रहण नहीं करता है, सबसे बड़ी है राधा रानी की प्रेम रस में जो शराब और जो भक्त है जब तक उनकी चरणों कोई आश्रय ग्रहण नहीं करता है, कुतः श्याम सिंधु रसस्याव गाव, कहा कृष्ण रस समुद्र में गोता लगा सकते। इसलिए झूलन का यही महत्व है, श्री राधा रानी की चरण की महत्व है, और जो श्याम सुंदर को पूर्ण रूप में राधा की चरण को दर्शन प्राप्त होता है। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। बोले श्री वृषभान राज नंदन की जय। निताई गौर प्रेमानंद की जय। हरि हरि बादशाह गल को सर्वस्व कृपा हरे कृष्ण। आप लोगों ने दोनों महाराज जी से श्रवण किया। मैं कुछ बोलने के पहले एक निवेदन कर देता हूँ। कल सुबह 6 बजे हम लोग इधर से चल करके श्री रूप गोस्वामी के समाधि मंदिर भजन कुटी एवं राधा दामोदर के दर्शन के लिए हर साल जाते हैं, अब की बार भी 6 बजे जाएंगे। आप लोगों ने दोनों महाराज जी श्रवण किया। अब मैं सोचा ये कहूँगा, ये लोग सब कह दिया और रहते हैं वृंदावन में रसभूमि, रस तो बरसाएंगे ही, और माँ जी का भी रसिया से आए, आज बीरज में होली रे रसिया भी बारे पर इतने नचाएंगे तो सब नाचते रहेंगे, जो तो रस बरसा दिया। मैं ठहरा गांव का गामर, इस पर भी रहता हूँ कंस के स्थान मथुरा में, कुछ फिर भी कुछ ना कहो तो सीधा में प्रसाद नहीं देंगे रात को। फिर बोले भूखे भजन न है गोपाला ले ले तेरी कुंती माता, कुछ तो कहना ही पड़ेगा। इसलिए उन लोग जो उच्छिष्ट रख दिया है उसी का चरित चर्वन कर रहा हूँ। आप लोगों ने सुना ये झूलन का तात्पर्य। पहले मैं श्रील गुरु जी का विचार आप लोगों को सुना रहा हूँ। एक बार श्रील गुरु जी से पूछा, रूप गोस्वामी वंदना कर रहे हैं, कनक जलद गात्र नील सुनाब्ज नेत्र मृग मद बर भालो मालती कुंद मालो तरल तरुण बेश नील पीताम्बरेश स्मर निभित निकुंजे राधिका कृष्ण चंद्र। ये रूप गोस्वामी का श्लोक है और एक रूप गोस्वामी का कीर्तन है, राधे जय जय माधव द्वैते। इस कीर्तन में लिखा वृंदा विपिने से। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये इधर रूप गोस्वामी कह रहे वृंदा विपिने से, वृंदा विपिन उधर कह रहे निभृत निकुंजे, ये निभृत निकुंज क्या है, विपिन क्या है। गुरु थोड़ा मुस्कुराए, तब गुरु जी ने बताया एक है विपिन, एक है कुंज, एक है निकुंज निभृत निकुंज, विपिन फिर दूसरा कुंज, तीसरा निकुंज, चौथा निभृत निकुंज। गुरुदेव पूछा इसका तात्पर्य थोड़ा समझा देंगे, बताया विपिन में व्रज के सब का अधिकार है, किसी भी रस का हो, यहाँ तक कि जो गोचरण के गो बछड़े सब जाते हैं विपिन में, सखा सखी माता पिता सब का अधिकार विपिन में। इसके बाद आते हैं कुंज में, जो कुंज है आप लोग से जानने के लिए जैसे महाराज दोनों महाराज ग्रंथ का नाम बताए इसमें पढ़ेंगे पता चलेगा, पढ़ना नहीं अनुशीलन करना है गुरु वैष्णव के अनुगत में तब पता चलेगा। कुंज में चार पेड़ है और पूरा लताओं से ढका हुआ है, अंदर बहुत साफ सुथरा है, बाहर से कुछ दिखेगा ही नहीं। एक बार गुरुदेव हवाई में थे,
एक प्रभु है श्रवण प्रभु, उनके कब तक ब्रिज दिखाते कुंज ऐसे होता है, फर्स्ट क्लास एक दृश्य दिखाए गुरुदेव। ये कुंज में ये श्याम सुंदर श्रीमती राधिका और उनके जो सपक्ष विपक्ष तटस्थ श्रित पक्ष सब प्रकार के सखियों का अधिकार है कुंज में। इसके बाद निकुंज, निकुंज में श्रीमती राधा ठाकुरानी और उनके सपक्षिया ललिता विशाखा चित्रा चंपकलता तुंगविता इंदुलेखा रंग देवी सुदेवी ये सब रूप मंजर ज्योति मंजर ये सबका अधिकार है। और निभृत निकुंज में केवल जुगल की स्वर उनके सखिया अष्ट सखी नहीं जाएगी, उसमें क्या है असंकोचित श्री रूप मंजरी तांबुलार्पण पाद मर्द श्लोक में बताया असंकोचित भूमिका, उस असंकोचित भूमिका में मंजरी जाके सेवा करती है जुगल किशोर की, उसमें ललिता विशाखा भी प्रवेश अधिकार नहीं है। उस कुंज में अगर ललिता विशाखा जाएंगी उन्हीं के अनुगत में रूप मंजरी रोति मंजरी विनोद मंजरी नयन मंजरी गुना मंजरी कमल मंजरी रमन मंजरी राग मंजरी सब मंजरी सेवा करती है। उन लोग पूछे क्या मैं अंदर जा सकती हूँ, तो लोग थोड़ा ठहरिए देख के आती हूँ जे तब जाइए निवृत निकुंज। ये कोई विचार सुना। अब आते हैं झूला में। जैसे महाराज जी बताया ये ब्रज की विवाहित लड़कियां सावन के महीना में अपने पियर जाते झूला में झूलती है। आप ब्रज के जितनी लड़कियां विवाहित वो अपने अपने पियर चली गई। राधिका बहुत मन दुखी है, जा नहीं पा रही है। कभी अकाली में चढ़ के देखती है क्या सीधा भैया आ रहा है क्या, इधर देखती उधर देखती है। तब एक गारुगान गाड़ी चला के जा रहा था, वो आए थे बरसाना से, देखिए तथा नीचे आई, उनको चाचा चाचा का संबंध बनाया। तो बताया आप जरा मेरे पिताजी को बता दीजिए, ये पथिक संदेश कहियो जाई कहियो पिताजी से भैया सीताम भाई का तेरी बेटी अकुलाई रे, बोलना कि तेरे पिताजी ज्योति सीताम को भेजे, तुम्हारा बेटी बहुत रो रही है। ये सुन के सीताम आया, देखते ही कथा रोते रोते सीताम को पकड़ लिया, भैया तूने इतना देर कर दिया, क्या तुम लोग मुझे भूल गए हो, इतने दिन से आए क्यों नहीं। सीताम का बहन कभी हम भूल सकते हैं, इससे पहले जब आए तुम्हारी सास आने नहीं, इधर जल्दी क्यों आ गए हो, अभी नहीं भेजेंगे, इसलिए हम देर से आए ताकि वो मना नहीं कर सकी, इसलिए आए फिर ले गए। उधर जो बरसाना के जो मंदिर हम देखते हैं ये विश्वभर में राजमहल नहीं है, ये विश्वभर महाराज अपने बेटे के लिए एक हवेली बना दिया, उसमें राधा जी अपने सखियों के साथ झूलती है, मंजरियों के साथ झूलती है। और कृष्ण क्या करेंगे, वो चुप से पीछे से होकर के घुस जाते हैं। क्यों, हमारे गुरुवर्ग बता रहे हैं राधा प्रजाति विपिनम विपिनम प्रजाति राधा निकुंज सदने सचतत्र नित्यम राधा सुखे सुखम उपेत दुखे च दुखी कृष्ण कदापि खलु तिष्ठति न स्वतंत्र। कृष्ण कभी भी स्वतंत्र रूप में रह नहीं सकते हैं, जहां राधा जी कहीं बीपी में उधर चले जाएंगे, निकुंज में उधर चले जाएंगे, राधा सुखी तो कृष्ण सुखी, राधा दुखी तो कृष्ण सुखी दुखी, राधा सुखी तो कृष्ण सुखी। कृष्ण कदापि खलु तिष्ठति न स्वतंत्र, कृष्ण कभी भी स्वतंत्र रूप में रह नहीं सकते, इसलिए उधर चले जाते हैं, विभिन्न रूप बना करके जाते हैं, झूला में झूलते हैं। आपने महाराज जी सुना कैसे राधा कुंड को सजाया, कृष्ण की राधा कृष्ण लीला दो तरह से मैनेज होता है, एक जोगमाया पूर्णमासी के रूप में ये समस्त रसों की लीला को वो कंट्रोल करती है, और वृंदा देवी केवल मधुर रस की दूसरे रस की नहीं। और ये पूर्णमासी की भी दो रूप है, एक मूर्त रूप एक अमूर्त रूप। मूर्त रूप में कृष्ण लीला में देखते हैं जोगमाया पूर्णमासी देवी, और महाप्रभु के लीला में और श्री राम के लीला में
मूर्त रूप नहीं है, भगवान का अंदर रहते हैं। ये पौर्णमासी है कौन? संदीपुनी जो कृष्ण के स्कूल टीचर, उनकी माँ है, उनके गुरु है नारद। से नारद के पांच प्रधान शिष्य हैं, दो बच्चे हैं जो आगे चल करके महाराज बने, प्रहलाद महाराज एवं ध्रुव महाराज। दो वृद्ध है, हरे कृष्ण। नारद ऋषि के पांच प्रधान शिष्य, दो छोटे बच्चे जो आगे चल करके महाराज बने, जिसके बारे में भागवत में विशेष रूप में वर्णन है, एक ध्रुव महाराज एक प्रहलाद महाराज। दो वृद्ध है, एक है वाल्मीकि ऋषि, दूसरे व्यासदेव। वाल्मीकि ऋषि भगवान राम के अवतार के पहले ही रामलीला का वर्णन कर दिया, ऐसे व्यासदेव भी कृष्ण के अवतरण के पहले ही कृष्ण लीला रच दिया। और एक है महिला, वो है पौर्णमासी देवी। नारद ऋषि पौर्णमासी से कहा उज्जैन में, पौर्णमासी तुम उज्जैन छोड़ करके ब्रज में चली जाओ। जब बहुत से भक्त लोग हैं हमारे भारत के संस्कृति के अनुसार, जो बुजुर्ग है अपने बेटा बेटी से नाती नातनी देवता देवती को अधिक प्यार करते हैं, तो पूर्णमासी क्या किया, अपने नाती मधुमंगल और नातनी नंदीमुखी को लेकर के कृष्ण जन्म के कुछ दिन पहले ब्रज में पहुंच चुकी थी। और बाद में जो कृष्ण गुरु दक्षिणा के स्वरूप जमा वैसा के अर्पण किया था, वो नंदीमुखी और मधुमंगल के आने के बाद छंद में और एक बेटा हुआ था जो जल में डूब के मर गया था। ये माधुर्य ईश्वरी, ये पूर्णमासी मूर्त रूप में कृष्ण लीला में, अमूर्त रूप में श्रीमन महाप्रभु के समय अमूर्त रूप में, जब मैया जशोदा ने कहा बेटा तू वृंदावन मत जा, बहुत दूर है, तू जगन्नाथपुरी में रह जा, रथ यात्रा में भक्त लोग आएंगे उनका संगम मिलेगा, और कभी तुम गंगा में स्नान करने आओगे तो दर्शन होगा। ये पूर्णमासी माँ सोची के मुख से बोली। रामलीला में जो कई कई ने कह दिया भगवान राम से वन में जाने के लिए, ये पूर्णमासी कई कई के मुख से बोली। ये पूर्णमासी का दो स्वरूप है। फिर आते हैं ये पूर्णमासी ये लीला को कंट्रोल करती है। और जो महाराज जी बताए राधा कुंड का, उसमें राधा कुंड में जो वर्णन दिया है, उनके चार दरवाजे हैं कुंड में और बहुत घनाघोर जंगल है, उसमें षड ऋतु के चिड़िया एक साथ चहकती है, षड ऋतु का फल षड ऋतु का फूल एक साथ खिलते हैं उधर, और एक में बसंत ऋतु है, एक में ग्रीष्म है, एक में वर्षा, एक में शीत है। जब शीत के समय राधा जी सिकुड़ जाते, डर जाती है, और जो राधा कुंड के पानी है ईश्वर उष्ण है, ताकि जुगल कृष्ण उसमें जल क्रीड़ा कर सके, ये वर्णन किया गया है। तो कुछ जगह रंग तो बता, इसमें नहीं जा रहा हूं। और इस झुलन में कृष्ण क्या इच्छा है कि राधिका मुझे आलिंगन करें, और राधिका वाम भाव संपन्ना है, रूप गोस्वामी ने वर्णन किया नायक 96 प्रकार के हैं और नायिका 360 प्रकार के हैं। ये 360 प्रकार के नायिका के गुण केवल मात्र राधिका में है। बताया हमारे आचार्य गणों ने, स्वर्णलता छाये यथा तमाल शरीरे श्यामत गरिल राधा श्याम कले बले। झुलाते समय जब राधा जी डर जाती है, कृष्ण को ऐसे पकड़ लेती है मानो ये श्याम ये स्वर्णलता पूरा इसको ढक दिया इस तमाल शरीर को। और एक में उदाहरण देके समाप्त कर दूंगा, हमें गोपीनाथ भवन में जाना है। एक लीला आप लोगों को सुना देता हूँ। आप लोग जो ब्रजमंडल परिक्रमा जाते हैं, एक स्थान है ललिता कुंड। ललिता कुंड में अभी राधा जी आई नहीं,
और सखिया नहीं ललिता अकेली माला बना रही है, गुत रही है, मुकुट बाजूबंद बनाती है, तोड़ती है फिर बनाती है। नारद ने पूछा, हे देवी ऐसे तुम क्या कर रही हो, बनाती हो बिगाड़ती हो फिर बनाती हो, कारण क्या है? बोले ऐसे लगता है कि बड़ा हो गया तो छोटा हो गया, मैं संसदीय बना रही हूँ। बोले मैं उनको बुला देता हूँ, नाप लेके बना लो फिट कर दो, इधर क्या जरूरत इतना परिश्रम करने का। और नारद ऋषि चरित्र जानते हैं, बोलते नाम दिया मर नारद ऋषि बाधाई शुद्ध झगड़ा, ताते अमार आनंद जे मजा देखो तुमरा तुमरा तुमरा। नारद जी, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज नारद ऋषि। व्हाट इज योर प्रोफेशन? आई अरेंज क्वारलिंग बिटवीन मदर एंड सन, मदर एंड डॉटर, फादर एंड सन, फादर एंड डॉटर, हस्बैंड एंड वाइफ, लवर एंड बिलवेड। व्हेन आई मेक अरेंजमेंट फाइटिंग बिटवीन लवर एंड बिलवेड, हस्बैंड एंड वाइफ, आई बिकेम वेरी प्लीज। व्हाट शैल आई डू? You can join in my club. What shall I receive? You can get some fun. बोलते हैं, क्या मेरा नाम नारद ऋषि है, क्या करते हो? मैं आपस में दूसरे में लड़ाई करा देता हूँ, क्यों करते हो? उसमें आनंद है, तुम चाहते हो मेरा क्लब में आ जाओ, तुम्हें भी आनंद मिलेगा। नारद जी क्या किया, कृष्ण को बुला के ले आए। बोले देवी कब से प्रतीक्षा कर रही है ऐसे? तो बना के फिट कर दिया। फिर कृष्ण से कह रहे हैं, प्रभु जी मैं कभी आपको ललिता से झूलते हुए देखा नहीं, राधा जी के साथ देखा, विशाखा तुंग सबके साथ, तुंग विद्या रंग सुदेवी थोड़ा झूलिए, झूलने लगे, इतने में चले गए राधा जी के पास। देवी आपने सुना, कृष्ण तो बोलते हैं तुम्हें बहुत ही प्यार करते हैं, मैंने एक आंखों देखा हाल देखा, आप देखेंगी तो आप फटी की फटी रह जाएगी। क्या देखा? बोले आइए मैं दिखाता हूँ। बोले मैं अधिक दूर नहीं जाऊंगा, नजदीक मैं दूर से दिखा दूंगी, सॉरी दूर से दिखा दूंगा, ठीक है? आए दूर से दिखाया, कृष्ण ललिता से झूल रहे, देखते ही नारद छिप गए, दादी सामने आकर के पैर पटक पी जा रही है। देखिए कृष्ण क्या बात है, उनके नुपुर का ध्वनि सुन के समझ गए कि राधा जी का नुपुर का ध्वनि है, देखा जा रही है बिगड़ करके। दौड़ते हुए आए, घेर लिया, क्या हो गया ऐसे? पल्ला छोड़ो मक्का कहीं का, लाभार झूठे, इंटरनली ब्लैक एक्सटर्नली ब्लैक, अंदर काला बाहर काला, तुम बोलते तुम सबसे अधिक मुझे प्यार करते हो, ये क्या हो रहा है? कृष्ण समझ गए, बोले कहीं तुम नारद के पल्ला में तो नहीं पड़ गया? क्यों? बोले नारद तो मुझे बुला कैसे कर भैया, तुम्हें जरूर खबर दिया। बोला हाँ। फिर आके सब मिलके झूले, झूले में आपने सुना सबसे अधिक क्या है, राधा जी आलिंगन करती हैं, तब क्या होता है, कृष्ण का इच्छा पूरा होती है, राधा जी आलिंगन नहीं करती और उनका चरण दर्शन, ये तो इस समय बरसाना में झूला होता है, और नहीं तो प्रतिदिन नित्य झूला होता है राधा कृष्ण का, और हम लोग उधर जाएंगे, और इन लोगों के पल्ला में मत पड़ना, ये सब नारद ऋषि के चेले हैं, उनके परंपरा में है, आप लोग आई है बोलेंगे देखो ये सत्यवती दी आ गई, देखो देखो बॉम्बे नहीं जा रही है, लड़ाई बता दे करा देंगे, सावधान रहना है साधुओं से, सब नारद ऋषि के परंपरा में है, आज ही तक है। हरे कृष्ण पंचा कल्पत रूपस्य कृपासि तु भय वच पतितानं पावन भो कृष्णवे भो नमो नमः। अब चलिए हम लोग कीर्तन करते हैं, विभिन्न भवन में जाएंगे।